शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लक्ष्मी देवी कृपा करा रे बाबा, टेलीफोन आए नमः, रॉन्ग नंबर आए नमः, दैवी प्रसाद आए नमः, पैसा आए नमः, रुपया आए नमः। ये क्या बाबू भैया, आलू की बोरी की तरह नीचे क्यों बैठे हो? काय चला रे? अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं। अमीर हो गया तो क्या मैं हवा में बैठूं? अरे खुल के बैठो। या जूता निकल बाबा, या जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रे, जूता निकल। आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। अरे अमीर आदमी जूते पहन के सोफे पे सोता है। और बाबू भैया स्टाइल से जियो, खाना भी कांटा चम्मच से खाओ यार। कैसा खाएगा रे, वड़ा पाव कांटा चम्मच से कैसा खाएगा रे? ये क्या है, 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला, वही के वही कपड़े पहने हुए हैं। अरे अमीर बनो अमीर, अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपना घर बदलता है, 1 घंटे में अपना धंधा बदलता है, और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है। अरे पांडुरंगा, अरे मेरा बीवी किधर है बाबा? हाँ बाजू वाले का लगा बदलू क्या? हाँ ठीक है, वो सब तो छोड़ो, ये फोन तो बदलो आप, इतने पैसे खर्चे करके आपने नंबर तो वही रखा, ये मॉडल तो बदलो। फोन को हाथ लाओ ना, रख रख। अरे तेरे को बदला क्या मैंने? नहीं ना, मेरा फोन बदलने का बात नहीं करने का। ये बाबा तुमको मांगते, तू नाम बदल, कपड़ा बदल, मांगता है बाप भी बदल, ये फोन बदलने का बात नहीं करने का। ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये तेरा जूता साला और इनका चड्डी बनियान भी फोन की वजह से है। ये फोन नहीं है, किस्मत का घंटी है देवा, किस्मत का घंटी। हेलो, किसका फोन है? कबीरा। कबीरा स्पीकिंग। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। ये राजू, उसको बोल बाबूराव मर गया। मामा नहीं है वो, उसको बोल कबीरा भाव जय महाराष्ट्र। स्टार फिशर क्या माइलम मजाक करता है? आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई, और बाबूराव की धोती भी खुल गई। साला धोती खोलता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। रामेश स्टेट एजेंट, हाँ सुन बनवारी को फोन दे। बनवारी, अरे बनवारी मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटर प्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। और अरे क्या था एक, अच्छा चल मैं बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय बाय बाय। ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? नहीं रे बाबू भैया, ये लॉटरी वॉटरी ना सब गरीब लोगों का काम है, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस है, कैसा बताता हूँ। ये टाटा बिरला अंबानी अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता है वो? सिगरेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट। वो लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते हैं, 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए 5-5 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं। भैया इस फ्रॉड की बातों में मत आना, करोड़ छोड़ो ये हमें रोड पे ले आएगा। अरे नहीं रे बाबा, ये सुबह से मेरा दाहिना हाथ फड़क रहा है, लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। ये राजू अगर ऐसा होता तो आज हर कहानियां करोड़पति होता। गणपति बापा, ये मंगल मूर्ति विनायका। ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? अरे इन्वेस्ट तो करने दो, तुम लोग लाओ क्या। अरे 10-10 लाख रुपए दे दो और इस फॉर्म पे साइन करो। मैं नहीं देगा रे। अरे 1 करोड़ रुपए दोगे तो वो इन्वेस्ट करूंगा, तो 21 दिन बाद 2 करोड़ मिलेंगे ना। ये ले, तू तो पढ़ा लिखा है, पढ़ना। ये पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। हाँ लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है। ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। चले चले यार, साइन कर अनाड़ी, साइन कर बाबू भैया। लेकिन चल साइन कर रे, साइन कर चल। है आप लोगों ने कुछ सुना? अरे इसको ना हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है यार। कोई गाना नहीं चला, रेडियो टीवी कुछ नहीं, दुष्ट कर ना बाबा, साइन कर रहे, चल कर कर कर। अरे मेरे को सुनाई दे रहा है यार। अरे आप करना यार, तू करना बाबा, तू साइन कर रहे, साइन कर।
वो तो ठीक है, लेकिन सुन अपने पास 30 लाख रुपए, तू 70 लाख रुपए बाकी के लाएगा कहां से? तुम दोनों को मेरे पे विश्वास है ना? मेरे को भगवान पे विश्वास है। 70 लाख रुपए मैं कैसे ना कैसे लेके आऊंगा, ठीक है? ओके, खूब चांगला मारो सारे। बाबू भैया मैं बोल रहा हूँ आपको, ये राजू अपने को मरवा देगा, साइन करवा। क्या बाबा, तू पनौती मत मार रे। ए मंगल मूर्ति, ए देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। राजू, ये लक्ष्मी चिट फंड वाली मेरे को क्या सवाल पूछेगी रे? दिल्ली का कैपिटल इंडिया, मुंबई का कैपिटल धारावी, 1 करोड़ रुपए। तूने कहा था 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट लेते नहीं है। सही है ना, 1 करोड़ कर देंगे ना यार। 20 तूने उससे लिया, बाकी 50 कहां से लाएगा तू? ये 50 और बाकी ये 50 हो गए एक। ये कौन 50? अभी से डबल कर दिया, शाबाश। 50 कहां से लाया? अरे जिससे भी लाया उसको दे दूंगा ना डबल। आ गई आ गई, माल आ गया आ गया आ गया। वेलकम वेलकम, ये अनुराधा जी हैं। अनुराधा, आपका नाम भी अनुराधा है? आपका भी मतलब आपका नाम भी अनुराधा है? जी नहीं, जी जी मैम। चाचा ये श्याम है। मैं बाबूराव, बाबूराव गणपत राव आपटे। आइए अंदर चल के बात करते, बहुत धूप आई। आइए श्याम, नाइस नेम। अनुराधा, नाइस कॉफी। थैंक यू, ब्यूटीफुल हाउस। थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए कागजात। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? जी। मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। दैट्स स्ट्रेंज। या आई नो, ये मेरा डिग्री है। ये हाँ। ये तो कोई मराठी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। व्हाट? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए ये सर्टिफिकेट के साथ। अनुराधा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी कंपनी ऐसे कौन सी बिजनेस करती है जो 21 दिन में हमें हमारे पैसे डबल वापस मिलते हैं? That's a very intelligent question. देखिए, हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। Oh, I see. यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में जाते हैं। भगवान के वास्ते चुप रहो ना। Are you satisfied, Mr. Shyam? जी, sure. आप तीनों के पैसे डबल हो जाएंगे। ताली नहीं, पैसे पैसे। ये रखिए, इसमें रिसीट है। 50 लाख है, इसमें 50 लाख, 1 करोड़ हो गया। हाँ, ओके ओके ओके, कांग्रेचुलेशंस। बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ इसको पति बना, अपन इसका पैसा ले लेते हैं। राजू, वो तेरे डबल वाली का ऑफिस किधर है बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख। चलते चलते। अरे किधर के ऑफिस? अरे हमारे पैसे किधर है? ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अरे यहाँ था ना ऑफिस। अरे यही था ना उस दिन ऑफिस में। वो लड़की कहाँ है, जल्दी बता। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। डबल पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? हा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गए। ये फ्रॉड है, मत लगाना इसके चक्कर में, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला था, मैं वही सोच रहा था। वो लड़की कितनी भोली है, मुझे क्या मालूम है, मुझे साफ करके चली जाएगी। तेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर, तेरी अनुराधा, ये साला मार। मुझे क्यों मार रहे हो? मारो साला, तू तू ही सबसे बड़ा पनौती है। मारो मारो मारो, चल चल के मारो। काम कर
डबल तू भी एक का डबल करता है पागल हो गया क्या अनुराधा तेरी बहन है तेरी बहन किधर बोलती है बाबू भैया अरे बाबू भैया ये आप क्या कर रहे हैं बाबू भैया ये अनुराधा का भाई नहीं है ये अनुराधा का भाई नहीं है तो अनुराधा ही है ये सारी मूछ लगा चाहिए अरे अरे बाबू भैया ये मेरी अनुराधा नहीं हो सकती है मेरी अनुराधा नहीं हो सकती है लड़का है ये कहां से अनुराधा हो सकता है वो क्या आदमी है अरे पागल हो गए हो क्या क्या है बाबूया शांत हो जाइए बाबूया मानक की ओर राजू कमीने ने हमारा 30 लाख रुपया गंवा दिया लेकिन 50 लाख का बंगला है हमारे पास घर है अपने पास बाबू भैया देवा ये मैं भूल ही गया था 50 लाख का बंगला है रे बाबा शांत ये राजू कुतरिया तू मेरे को बंगले का कागजात दे देना नहीं तो तू साला बंगला भी बेच डालेगा ले ले इसका भरोसा नहीं रहे तू समझा ये बोलता काहे को नहीं ये बाबा ये बंगला है ना ये बंगला है नहीं बंगला था क्या मतलब तूने बंगला भेज दिया वो तूने मुझे पूछा था ना 50 लाख कहाँ से आएंगे वो यहाँ से आए थे तेरा खून पी जाऊंगा बाबू भैया ए बाबू भैया ए बाबू भैया ए राजू अरे ऐसा मत पकड़ना बीड़ी की तरह उसको पाइप की तरह पकड़ना ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले कैसा लगा हाँ एकदम झकास तो आपके नाटक में मेरा रोल पक्का ना बाबा हाँ ठीक है चल अब ये भाड़े के कपड़े उतार भाड़े का हाँ तो नाटक में तेरा काम खाली इतना है तू हीरो का बाप है बाप मन्ने जो मर चुका है हाँ अभी स्टेज पर खाली तेरा फोटो लगेगा वो भी प्लास्टिक का हार पहना के चमार उठा के बाल्टी मारे का साला पानी नहीं मांगेगा किधर बंगले का कुर किधर नल का लाइन श्याम ए राजो शाने नहीं रे बाबा आपटे बाबूराव गणपतराव आपटे ए तू अपटे के जपटे इधर कपड़ा सुखाने का नहीं गिला है रे बाबा सुखने दे रे सुखने दे ये मेरी पाली है राजपाली की दिन पाली नहीं पुराना है लेकिन अभी क्या धोखे रखा है ना तो फर्स्ट क्लास नया लग रहा है ये मेरी पाली है मेरे दरवाजे के सामने ये लगता है ये जगह तेरे बाप का है तेरे बाप का है हो मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है हो तो कोल्हापुर में जाके सुखाने का इधर नहीं अरे बाबा धोती कोल्हापुर में सुखाएगा तो इधर क्या पहनेगा क्या अभी तेरे को फोटा लूं मैं क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ फोड़ेगा तू अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊं पकड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा मैं भी तेरे को दिखाएगा क्या करेगा तू तू क्या करेगा रे तू क्या करेगा इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी बोल तू मेरे को जानता नहीं रे मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है अबे तो जान ले समझ ले नहीं तो बाबू ये चलिए ना पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये मजाक मत करो बाबू भैया इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ चार चार इम्पोर्टेड जूते थे अभी एक नहीं दिखाई दे रहे मेरे को ये कल रात को मैंने राजू के सर पे मारा तभी तो थे रे बाबा ए श्याम ये ले रहे एक वक्त की रोटी और बाबू भैया का दो वक्त का बाटली लेके आया मैं तू ये खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया लेकिन पैसे क्या चीज है हाथ की मैल है और तो पहले बोलना चाहिए अभी मैं फर्स्ट क्लास नाके निकला पूरा मैल निकाल दिया ला बाटली ला अरे यार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है किसी ने मेरे जूते देखे क्या इंटरव्यू के लिए जाना है अरे पहले बोलता ना इंटरव्यू के बाद भेजे थे तेरे जूते मतलब तूने मेरे जूते बेच दिए अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को बाबू भैया ये आइटम के बच्चे फट जाएगा अरे तेरी बनियान तो फटी नहीं है अब सूट के नीचे क्या पहनूंगा मैं स्लीपर पहन के घूमूं क्या छोड़ मेरे को इनको देखो देखो बेचारे को इन्होंने कुछ बोला मैंने बेचारे का घड़ी बेचा इनका सोने वाला चश्मा बेचा बेचारे ने कुछ बोला नहीं बोला तूने घड़ी बेचा चमाला कुत्रिया तूने मेरा बाबू भैया मैं तेरा बंदी बेचूंगा क्या कर रहे हो उमर का तो ख्याल कर रहे हो ये ले
आपका बोतल गिर गया। बाबू भैया आप उसको छोड़ना मत, बोलो आपके पीछे। आप घड़ी लेके क्या करोगे, आपका टाइम तो वैसे ही खराब चल रहा है। चला टाइम तो भी तेरा खत्म रे। बाबू भैया छोड़ना मत इसको, पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। चप्पल मेरा गरीब बेचा है। खाना नहीं दूंगा तेरे को मैं। अरे तेरा खाना क्या नहीं देगा तू? मारो उसको, मारो उसको। फिर मार रहा आपको, देखा आप दे रहा ले रहे मराठी मार सा ज्यादा हो। बाबू भैया आइए, बाबू भैया आइए, आइए 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 बाबू भैया, मर्डर कर दो उसका, आप उसका मर्डर कर दो, मैं आपके पीछे बेल करा दूंगा आपकी। बाबू भैया कान जोड़, कान जोड़, मेरा कान जोड़। मर्द की तरह लड़ना, मर्द की तरह। आइए आइए बाबू, ये लड़की। हाँ तो मैंने किधर बोला लड़का है? अरे निकल गई, निकल गई। निकली नहीं है रे बाबा, तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा, इधर ही खड़ी है। अरे धोती है? ये तो सलवार कमीज पहना है, धोतर नहीं पहना है री। बाबू ये आपकी धोती। कुटी के लिए। अरे उधर क्या कर रहे हो, लड़की इधर है, धोती पहनो। कौन राजू, लपेट जल्दी लपेट। चेंजिंग। अच्छा चास्टर टाइट अंदर डालो उसको, चास्टर टाइट। ओके। अरे मेरा हाथ तो कसी है। आप यहाँ कैसे? जी मैं वो किराए के लिए आई हूँ। वो किराया क्या बाबा, वो जो समझ के देना ही दे देना। अरे नहीं मेरा मतलब है मैं किराया लेने आई हूँ। तो फिर राजू से ले लेना आप। हो, हो। आप इस चौल की मालकिन है? जी मेरे पिताजी यहाँ के मुनीम हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं आई हूँ। दीजिए पौने 200 रुपए। हाँ ये लीजिए, 1000 का। ये 1000 रुपए किधर से लाए? हल्का मेरे जूते बेच के तूने, ला मेरे जूते के पैसे वापस आते। चड्डी के ऊपर पहनेगा? ये तेरे जैसा भिखारी नहीं है, सूट है इसके पास। सूट बेच के ही तो लाया हूँ, ये लीजिए। छुट्टा नहीं है मेरे पास। तो अपन बाहर चल के कॉफी पीते ना, छुट्टा करवा लेंगे ना। कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। रेखा जी, मीना जी, सीमा जी, जो भी नाम है आपका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए मैं आपको साले ने मेरा सूट बेचा है, मेरा घड़ी बेचा, गोल्डन चश्मा बेचा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप देखना। आप मर साले को, साफ कर कचरा पेटी को, मर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अपने पीली सूट वाली, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं, हम लोग चल के पीते ना कॉफी, छुट्टा दे दूंगा। राजू जी बेलन देना। खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा सूट कहाँ है? वन पीस सूट था। हाँ तो देखो टू पीस देता हूँ ना, तो तू स्विमिंग पूल में बैठना पहन के। चोर, चोर तू। खोपड़ी तोड़। ए बाबू भैया साले, जा मेरा सूट ले, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए श्याम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार, मार का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। क्या बाबू भैया, मारा इसने आपको, मारा इसको। अरे इसने आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं, आइए आइए तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया, इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। सेठ जी, अरे ये झूठ बोलते हैं, इसने इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने बोला तोप, ए तोप, तोप तोप लेने ता दिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दांत से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल, नहीं, 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 नहीं। वो आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। ए तो दानपति ले ले, तामने से जवाब, तामने से जवाब देता है तू,
भोपाली बोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लाख 30 करे बाबा। अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रहा लाख कैसे मारेगा। बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं दे, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे, अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता, 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है। तेरी धोखली पे डाल दूंगा मैं ताले, दिवाली का पैसा तू ताले। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं उड़ा दूंगा। मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तला में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। तोल रहा है, तोते ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। गाता था? माँ कसम मैंने देखा है, इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल, माजा दिल, तू ही माजी मंदिर। पैसा खाया तुमने, साला लौटा देना ना तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे देगा रे, मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है साले, चला पीछे मुल्ते देख। आइला इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। ए साइड में रोक, साइड में रोक, साइड में रोक मेरे भाई। क्या हुआ, गाड़ी काहे को रुका रहे? ये बिल्डिंग में रहता क्या तू? नहीं नहीं, ये बिल्डिंग में नहीं, वो गटर में। गटर में? मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया यार, मेरे को प्लीज। चल घर जाके करना। घर तक नहीं जाऊंगा, मेरा निकल जाएगा, प्लीज मैं यहाँ कर लेता हूँ गटर में, समझ जा कर। मेरा किडनी खराब है। राजू तेरा क्यों किडनी का बीमारी है? तू अभी तक बोला नहीं रे बाबा मेरे को। बाबू भैया मालूम है ना आपको, हाँ? भाई साहब इनको जाने दो वरना इधर ही कर देगा वो, किडनी खराब है उसका। तू भागया तो? भागया क्यों मैं, अरे मेरा दिमाग खराब है, ये दोनों है ना तुम्हारे साथ, मैं भागेगा नहीं। ये क्या हमको गिरवी रखेगा रे तू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जा जा जा, जा जल्दी जा। शुक्रिया, जा जा जा। बहुत भले आदमी हो तुम लोग। भाई साहब राजू जल्दी आ, साला पेशाब के लिए गिरवी रखता है हमको। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे, दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे। ए वो वापस क्यों नहीं आ रहे, कहीं भाग तो नहीं गया वो? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा, गिर गया होगा कहीं, मैं उसको उठा के लेके आता हूँ। तू वापस नहीं आए तो? अरे मैं कैसे भागेगा, काय को भागेगा, बाबू भैया है ना आपके पास गिरवी। या क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता? वो पेशाब के लिए गिरवी रखेगा, तू हार्ट अटैक के लिए गिरवी, क्या समझा? ए बाबा ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। ए तुम दोनों भी जा रहे हैं इसके साथ में? मैं लेके आता हूँ उसको। हाँ राजू, राजू अरे अरे चल ना। ए बाबा टाइम बहुत खराब आ गया, पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। ए चुप चुप, हार्ट अटैक है। ए ये लोग आए क्यों नहीं यार अभी तक? ओ अभी मेरी बारी है, मैं जाके देख। ए चुप, एड़ा समझाए क्या, तू इधर ही बैठ, हम दोनों देख के आते हैं। ए गुंडा भाई, ए गुंडा इधर आ, ये गाड़ी लॉक कौन करेगा बाबा, ऐसा खुला नहीं छोड़ने का, मैं भाग गया तो मत। हाँ ठीक है ठीक है।
ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। क्या माइला पाकिट मार रहे, इतना चिल्लाते क्यों आप? अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे कर नहीं आ सकता। अरे यार इनको समझाओ ना यार। अरे लॉक कैसा आएगा? अरे लॉक ऐसा खुलता, चलो चलिए आप, चलो अभी चलिए ना, चलिए जल्दी चलिए। अरे कभी तो भागिए। ये शर्म नहीं आता है, ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से लाके देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से लाके देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका, अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास दो किडनी होती है, तो लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा, हे देवा, देव दे, देव मानुष निकला रे तू देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहू भैया, बहू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? मर्डर जाएगा, मजाक कर रहा था भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। इसके मुंह में मारो। बाबू भैया चलो शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया चलिए। टमाटर का चटनी दिखा दे कुत्रिया, काट डालेगा सालिया को टमाटर मूली की तरह। आप शांत हो जाइए, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? साला मेरा मन तो ऐसा करता कि वो मदर इंडिया के अंदर वो मां ने कसम बेटे को गोली मार दिया था, वैसा मैं फादर इंडिया बनके साला राज को उड़ा देता। आप बंदूक हटाइए, शांत हो जाइए। अच्छा हो रहा बाबा, मेरा मोहिनी थिएटर का पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। अच्छा हो रहा बाबा, आजा आजा आजा, आओ आओ आओ, चलो। आप लोग चुपचाप कहीं ना कहीं छुप जाओ। हाँ चलो, छिपने का है? चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा अपने घर में छुपने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बराबर के ना राजू? बाबू भैया चुप ना, नाम नहीं लेने का। तू समझा श्याम, ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का। हो टोपी संभालो, नाम क्यों ले रहे हैं आप? चुप जाओ, कहीं भी पीछे जाके छुप जाओ सब लोग। अरे क्या कर रहे हो आप? तू बोला ना पीछे छुप जाने को। अरे मेरे पीछे मत छुपो, उधर जाके कहीं छुपो। जल्दी चले, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, काम करो तरीके से। बे चाबी निकाल, पुलिस 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 पुलिस। अरे बाप रे पुलिस है, पुलिस लेकिन इसी जोकर की ड्रेस में। अरे ये तो बाजू वाला है, ये तो धोतर चोर है रे। अरे तो फिर हम डर क्यों रहे इनसे? ये असली पुलिस हमारे बाबा लगते, खुफिया पुलिस है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं एसआरबी, एसआरबी, एसआरबी बोले तो स्पेशल ब्रांच के होते हैं, तेरे को नहीं मालूम है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। नहीं करे सर, बैग पीछे करो, नीचे जल्दी, और अब हाथ ऊपर करो जोकरेस, जाम हाथ ऊपर, रस्सी लेके आओ जोकर भी, रस्सी ले आओ, रस्सी
रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। रस्सी भूल गए बेवकूफ। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, कहीं से भी रस्सी लेके आओ। जो करार, मेरा पजामा का नाड़ा चलेगा? नहीं। या बाबा, ये तेरे पास रस्सी है क्या घर में? रस्सी मैं थोड़ा घाई घाई में भूल गया रे। रस्सी है ना? मगर वो क्या है कि बांद्रा में है, जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके आता हूं। बांद्रा नहीं रे बाबा, तेरी खोली के सामने तो जिस पर कपड़ा सुखाता है ना, वो रस्सी ला। जा लेके आ। लेके आऊं? लेके आना। एक मिनट, वो तेरा कपड़ा सुखा दे वो ही रस्सी लाना, बाजू वाले का नहीं। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटोस पिटोस। रस्सी रस्सी लेके जाने। घूम क्या रिवर्स। हाँ चले गए इतने रस्सी। अबे शादी में आया जो मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊंगा, बड़ी रस्सी लेके आ, वरना ये गन देगा मार मार के 2 फीट का कर दूंगा, समझे? साहब हम लोग मैनेज कर लेंगे ना साहब, रस्सी ला कर लेंगे ना साहब। पकड़ो करो। जोकर भी जोकर है, हेल्प करो, मदद करो। तेरे पीछे मैं हूँ। और सब थोड़ा थोड़ा रस्सी बांधना, चीटिंग नहीं करना। टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड। हाँ निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब। जवान दिया हिलेगा तो 3 बाप का। गुड। यस सर। बाय बाय। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। अरे ताला मारने को किसने बोला था आपको? अरे ताला मारेगा तो ही बाजू वाले को लगेगा ना कि बाहर गए ले, नहीं तो लगेगा कि हम लोग अंदर बैठे हैं। ये लात मत मार, रेड़ा खोल रहा हूँ। चलो चलो। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे आज आज अरे बाबा तेरा मेन आइटम ही बाहर रह गया। ये ताला ये कोई अभी ये ले दरवाजा बंद कर दिया। फर्स्ट क्लास सब अंदर आ गए। चलो कॉस्ट्यूम पहना हुआ तुमने अभी भी। अरे की तुम वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए? सॉरी चल मैं इसे तेरे को बताता हूँ। ये शिंदे ये मात्रे ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नच रही है। मैं बनाएगा ना पूरा एसी, ये एसी संडा, और लोटा भी पूरा चांदी का, पूरा चाल में ये सिक्कर डालेगा। किधर अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर ये क्या चोरी करेगा रे साला? बाजू वाले के कुकर की सीटी बजती है तो इसकी सीटी बजने लगती है। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ, आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3-3 नल लगा देने वाला हूँ। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरा नल? नहीं तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा, जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। ये एडेट तेरे बाप की शादी है क्या रे? बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। शाम तक तोतले को पैसा देने और ये बाबू भैया बाहर उछल रहे। राजू बहुत बुरा सपना है, ये बाबू भैया सारे चौल के सामने पैसा आने से पहले ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे वो सचमुच ढिंडोरा पीट रहे हैं सारे चौल के सामने चिल्ला चिल्ला कर। क्या बात कर रहा है? हाँ मैं तो बोलता हूँ यार बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग यहाँ से निकल चलते, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपने को। उसको रोक, मैं ये सब कुछ संभालता, तू जा। इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रे। अबे मंदिर से चिल्लर चोरी कर क्या साले चिल्लर चोर? ये चोरी मंदिर से नहीं किया रे, चोर के घर से किया। बताऊं कल क्या किया मैंने तेरे को? बताऊं क्या? बोलो बाबू भैया, 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है? आप भी 5,000 लगा तो सटिया गया। लो सुन लो, 5,000 की लॉटरी में 3-3 नल, बेवड़ा कहीं का। चलो चलो रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चोर भैया चुप यार चुप। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे। बच्चा तो तेरे को बच्चा होने वाला? अरे ये राजू इसका शादी कब हो रही है बोल। अरे इसका शादी नहीं हुआ, शेख चिल्ली की फोटोकॉपी। रोकड़ा रोकड़ा आया नहीं कि अय्याशी शुरू? ये पिज्जा कैसे लाए आप? वो डोमिनो वाले का स्कीम है ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। माने 30 मिनट के बाद आया पिज्जा? नहीं रे बाबा वो तो बेचारा 20 मिनट में ही आ गया,
लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं। वो मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। हाँ तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ, भंगार वाले को माल बेच के आता हूँ, ठीक है? हाँ यार जल्दी सौदा करके आ, आज टोटले को चुकाने का आखिरी दिन है यार। अरे सैंपल लेके जा रहा हूँ, देख सैंपल, तू ये सैंपल के मुंह पे स्टेपलर लगा बस। ये धोतर चोर, धोतर, चलिए अब धोतर चोर।